जैन साथियों, ये है हमारा पार्ट नंबर थर्ड। टोटल पार्ट है हमारे 37। तो 37 के अंदर ये जो वीडियो हमारी डिवाइड मैंने कर रखी है, 37 पार्ट में आपको ये मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित भारत में हड़प्पा का जो वृद्ध स्थल है वो कहाँ कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी है, क्योंकि अभी राखी गढ़ी जो है भारत के अंदर पड़ता है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में चले गए हैं। तो राखी गढ़ी अभी इंडिया के अंदर जैसे हरियाणा में पड़ता है, तो ये मेन हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड देखिए, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन से कथन सही दिए गए वो पूछा है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, तो ये यहाँ पे सही दिया गया। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सही दिया गया। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सप्तम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसको जो है उन्होंने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा है। निम्नलिखित में से जो आश्रमों को कर्म के अनुसार रखना है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ब्रह्मचारी आता है, उसके बाद गृहस्थ पे प्रवेश होता है, फिर वानप्रस्थ होता है आदमी, फिर संन्यास। निम्नलिखित में से किसमें जो है विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? मैंने अभी पढ़ा है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि के अंदर ये मिलता है। ऋग्वेद का सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो इसका जो गायत्री जो है लोकप्रिय छंद माना जाता है, गायत्री मंत्र। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद का जो संकलन है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद के अंदर मोस्टली जो मंत्र वगैरह हैं वो ऋग्वेद वाले लिए गए हैं। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है और यजुर्वेद में क्या मिलता है वो हमें देखने हैं। तो जो ऋग्वेद के अंदर है स्त्रोत और प्रार्थनाएं मिलती हैं, और यजुर्वेद के अंदर जो मिलता है स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित, और सामवेद के अंदर जो है सामवेद के अंदर मिलता है संगीतमय स्त्रोत, अथर्वेद के अंदर क्या मिलता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित चीजें। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखता था, तो 1 मिनट ये ऊपर चला गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखता था, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह इनका मेन था। अथर्वेद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वथा मिलता है, तो ये अथर्वेद के अंदर आयुर्वेद का जो है उल्लेख सर्वथा मिलता है। अथर्वेद आयुर्वेद आपको याद रखना है। ऋग्वेद काल में जनता ने उनमें से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेदिक जो धर्म था वो कैसा था? तो जो ऋग्वेदिक धर्म था यहाँ पर वो हमारा बहुदेववादी था, क्योंकि बहुत सारे देवों की यहाँ पूजा होती थी। जो मैत्री संहिता का संबंध है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्री संहिता, सभी संहिताएं आपको याद करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली हैं, तो आपको अच्छे से इसको कर लेना है। गोत्र शब्द का उल्लेख, जो सबसे पहले जो है गोत्र शब्द का सप्तम उल्लेख जो है ऋग्वेद के अंदर हुआ है। मैं आपको दोस्तों यहाँ के हिसाब से आंसर इसकी करवा रहा हूँ। गोत्र शब्द का उल्लेख, आप मेरे हिसाब से इसमें डाउट है मुझे, आप भी इसको एक बार जरूर चेक करें। मेरे हिसाब से इस अथर्ववेद इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर चेक करें, यहाँ पर ऋग्वेद दिया गया है। मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसको इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ताकि आपकी भी तैयारी होती रहे और मैं भी इनको जो है इनके अंदर से एक बार गोत्री हो जाऊँ। सुर की आहुति का संबंध है, तो ये सोत्रामणि जो यज्ञ वगैरह है उसके अंदर जो है इसका उल्लेख होता है। ऋग्वेद के किन मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जानते हैं? तो वंश मंडल जो है द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल जो है 2 से 7 जो हैं उनको वंश मंडल बोला गया है। जो फर्स्ट वाला है और जो बाद के हैं जैसे कि 8, 9, 10, क्योंकि इसके अंदर 10 मंडल है, तो ये नए माने जाते हैं। पहला भी नए में आता है, 8वां भी 9वां भी और 10वां भी। जो 2 से 7 जो हैं ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि 1, 8, 9, 10 ये बाद में जोड़े गए हैं, इनके बारे में सब बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है और इनको पता होना चाहिए कि ये किससे जुड़ा हुआ है। अब की बार जो है नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था,
सातवां मंडल जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने इसकी रचना की थी। थर्ड की रचना की विश्वामित्र ने। सेकंड, आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वामज्ञा ने की, किसने की। तो अच्छे से जब आप इन चीज़ों कर लोगे तो आप जो है हिस्ट्री में कभी मार नहीं खाओगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद के अंदर जो है हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं मिलता। मृदवाण संरचना है, बुनाई है, बढ़ईगिरी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है संबंधित है, अग्नि से संबंधित सबसे ज़्यादा मंत्र यहाँ पे मिलते हैं। ऋग्वेद में जो है वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये भरतों के जो है पुरोहित के रूप में, और इनका जो है आपस में फिर लड़ाई भी होती है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। किस 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो ये जो है 10 राजाओं का जो युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ये वशिष्ठ था, पहले विश्वामित्र था। विश्वामित्र की जगह इन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, इसी वजह से इनकी लड़ाई हुई और अंत में जो है सुदास जीत जाता है जो भरतों का राजा था। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह होता था। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है, रजस्वला होने के बाद उनका विवाह होता था। तो एक चीज़ और याद कर लीजिए आप, कि रजस्वला जो है जिसको आप आज के टाइम में पीरियड्स वगैरह बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रजस्वला उस टाइम में उसको बोलते थे और उसके बाद ही उनका विवाह होता था। ऋग्वेद में से देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो पूषण जो देवता था उसको जो है उसके रथ को बकरे खींचते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता किस टाइप से है? तो ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता की क्षेत्र किया तो ये ईरान की है। निम्नलिखित ग्रंथों में से एक प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो ऋग्वेद की जो शूल सूत्र के अंदर जो है, ऋग्वेद से संबंधित नहीं है शूल सूत्र, लेकिन जो ग्रह सूत्रों से संबंधित है ये शूल सूत्र, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस शाखा से है? तो सामवेद से संबंधित है जो है उपनिषद, जो है ये सामवेद का उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद अगर है वो छंदोग्य उपनिषद है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्न में से किस कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो यहाँ पर जब प्राचीन की बात होगी तो ऋग्वेद यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद है। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है दोस्तों सोम और इससे पेय पर निम्नांकित जो देवता होते हैं, जो पेय पीते हैं, सोम पीते हैं, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे इनको जोड़ना है। सामवेद में संगीत है और ऋग्वेद के अंदर जो है, ऋग्वेद के अंदर है यहाँ पर औषधि, ऋग्वेद के अंदर यहाँ पर औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद औषधि से नहीं है, वो अथर्वेद है औषधि से संबंधित। और जो ऋग्वेद है यहाँ पर ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है बलिदान और विधियों से संबंधित है, जादू और टोना टोटका यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम इनका जो प्रिय रस होता था पीने का, जिसको सूरा वगैरह भी आज के टाइम में बोलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोक प्रशासन प्रणाली थी तो ये क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र उस टाइम पर प्रणाली थी। वैदिक युगीन सभा क्या है? मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्री परिषद होती थी, सभा जो थी उस टाइम की मंत्री परिषद होती थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का यूज हुआ है, आपको याद रखना है कि ये ऋग्वेद के अंदर जो है स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह अथर्वेद के अंदर हमने ऊपर जिक्र किया था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामुख लेख मिलता है? तो यह ऋग्वेद के अंदर मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो यह पाया जाता है हमारा ऋग्वेद के अंदर जो है पुरुष सूक्त, यानी कि ये 10वें मंडल को पुरुष, 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी बोलते हैं। उसके अंदर ही जो है 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर ये हमारे जो 4 वर्णन का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है 1028 ऋचाएँ हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में क्या है 4 वर्णों के उद्गम का जो है संदर्भ मिलता है? तो यह मिलता है पुरुष सूक्त के अंदर जो है 4 वर्णों के उद्गम का जो हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ये संवाद सूत्र के अंदर जो है भारतीय नाटक जो है उसका जो है स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत मानी जाती है।
ऋग्वेद के कितने मंडल, तो हमने पढ़ा कि 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के 48 देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्त के इस विषय में निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। उन्हें हिमवंत और मूजवंत का जो है, मूजवंत दोनों क्या है, ये पर्वत श्रेणियां थी, तो इनका दोनों का जिक्र यहाँ क्या है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है, तो ये फर्स्ट चीज यहाँ पे सही हो जाएगी। उनमें भौगोलिक आर्य शब्द जैसे आर्यवर्त दक्षिणात्य का उल्लेख है, तो ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता कि दक्षिणात्य या उसका उल्लेख है, ऋग्वेद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ जो है यमुना एवं गंगा से जो है पश्चिम के क्षेत्र में बहती हैं। जो उसमें उल्लेखित नदियां हैं, जब आप गंगा यमुना देखोगे, गंगा यमुना इस टाइप से हैं, और उनके जब आप पश्चिम एरिया की बात करोगे, ये हमारा पश्चिम एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है, सरस्वती है, सतलुज वगैरह है, तो ये इसके पश्चिम में ही पड़ती हैं, तो ये तीसरा यहाँ पे सही दिया गया है। उनमें कुरु, पंचाल, इश्वाकु और राजवंशों का उल्लेख है, तो ऐसा उसमें उल्लेख कोई नहीं मिलता कि पंचाल, इश्वाकु वगैरह ऋग्वेद के अंदर बताए गए हो, तो 1 और 3 यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, बी राइट आंसर, जी हाँ सही है इसका आंसर। 49 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से स्मृत करना है, तो सबसे पहले देखिए जो ऋग्वेद का जो संबंधित ब्राह्मण है वो कौन सा है इसके अंदर, तो ऋग्वेद का जो संख्यायन इससे संबंधित रखता है, और जो सामवेद है, सामवेद से संबंधित है यहाँ पे तांड्य ब्राह्मण, और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण, जो अकेला अथर्ववेद का ब्राह्मण है, यानी कि और के अलग अलग कई दिए गए हैं लेकिन इसका अकेला एक है। 50 देखिए, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रिक्त शब्द जो है किससे संबंधित है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, रिक्त जो शब्द है यहाँ पर नैतिक व्यवस्था से संबंध रखता है। 51 देखिए, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो ये पणियों का आता है, आपको याद रखना है पणियाँ क्या थे, एक टाइप से जो है गऊँ वगैरह का अपहरण करते थे, चोरी चकारी करते थे, तो पणी शब्द आपको याद रखना है। यजुर्वेद में यदुजन का जो अधिकतर किसके साथ युगम बना है, तो ऋग्वेद में यदुजन का जो आपको यदु और तुर्वस का सबसे ज़्यादा आपको उल्लेख मिलेगा, तो ये दोनों यह आगे चलकर एक हो गए थे और इन्होंने एक नए कबीले का निर्माण किया था। यदु का अधिकतर किसके साथ युगम बना है, तुर्वस के साथ। 53 देखिए, ऋग्वेद में किस मंडल का जो प्रथम सूक्त है प्राय किस देवता के लिए यूज किया गया है, तो ये ज्यादातर क्या है अग्नि देवता को, जो प्रथम सूक्त प्राय जो है अग्नि देवता को समर्पित है, यानी कि अग्नि से स्टार्टिंग होती है इसकी प्रथम जो सूक्त है। 54 देखिए, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, जो राजसूय है उससे संबंधित जो अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद के अंदर। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऋग्वेद के अंदर। 56 देखिए, वैदिक राजाओं एवं राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है, काशी के अजात शत्रु हैं, केके के अशुपति हैं, विदेह के जनक हैं, तो ये तीनों यहाँ पे सही दिए गए हैं, डी यहाँ पे गलत दिया गया है। जनमेजे जो है, जनमेजे यहाँ पे पंचाल आएगा, मद्र नहीं आएगा, जनमेजे पंचाल का था, तो ये आपको कन्फर्म कर लेना एक बार, पंचाल ही है वैसे। 56 का जो है डी हो यहाँ पे गलत दिया गया था। वैदिक काल में ग्रह का मुख्य क्या कौन होता था, ग्रह का मुखिया यहाँ पे देखिए आपको पजल करने के लिए कितने सेम चीज़ें दी गई हैं, ग्रहपति, गणपति, तो आपको याद रखना है कि ग्राम का मुखिया होता था वो ग्रामीणी होता था, ना कि ग्रहपति, ग्रहपति घर का होता था, ग्रामीणी ग्राम का था, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। 58 अयोध्या का उल्लेख सब तुम कहाँ मिलता है, तो अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर आता है। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, तो ये जो है ब्रह्मा का था, और जो निरीक्षणकर्ता भी इसी को बोलते हैं, ब्रह्मा जो है निरीक्षणकर्ता थे, और ये अलग अलग जो है वेद से संबंधित हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, तो एक बार आप इसको देखिए एक बार क्वेश्चन को। तो पुरुष सूक्त जो है यहाँ पर, पुरुष सूक्त एक अध्याय एक कूट, यहाँ पे पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक अध्याय है, ये बिल्कुल सही, यहाँ पे 5 यहाँ पर मैच हो जाएगा, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक अध्याय है, और जो ईशोपनिष्ठ है यजुर्वेद का एक उप जो है अध्याय है, और जो गोपथ है यहाँ पर गोपथ हो जाएगा एक ब्राह्मण पाठ है ये, और वेदांग यहाँ पर हो जाएगा, वेदांग जो है यास्के निरुक्त से, तो एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऋग्वेद के अनुवाद में जो कौन टीकाकार सहायक है, तो यहाँ पे सायण जो है इसने जो है टीका लिखी है ऋग्वेद के ऊपर, ऋग्वेद पे जो अनुवाद में टीकाकार है ये अपने पुरोहित के जो, एक मिनट रुकिए आप, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव की पूर्व की ओर प्रवचन की कथा ने उनमें से किस में वर्णित है,
तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो है इनकी कथा मिलती है कि जो वैश्वदावनार अग्नि थी वो जो है नर्मदा नदी के तट तक बढ़ती चली गई, तो इसमें उसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो ये था दोस्तों वात्स्यस्तोम, यहाँ पे एक वैदिक अनुष्ठान था जो उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे उन इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा विदेह से संबंधित ऋषि जो थे हमने भी पढ़ा था गौतम राहुगण थे, राहुगण 65। देखिए विदेह माधव का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो विदेह माधव का हमने पढ़ा है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर क्या है, पुरुष मेघ यज्ञ जो है आपको याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर वो इसका उल्लेख हुआ है। जंगल की देवी अरायणी का प्रथम उल्लेख जो है ऋग की संहिता में ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ये प्राच्य के जो थे ये सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्राच्य के सम्राट, प्राच्य आपको याद रखना है कि प्राच्य के सम्राट जो है यहाँ पे इस चीज की उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा दिया गया? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण के बाद आरण्यक उपनिषद, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण यहाँ पर अथर्ववेद से संबंधित है। सूची वन को मिलाना है सूची टू से, तो ऋग्वेद से जो संबंधित यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद से संबंधित है यहाँ पर ऐत्रेय, और सामवेद से संबंधित है यहाँ पर, एक बार इसको देख लेते हैं, ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय और सामवेद से संबंधित है यहाँ पर पंचवीस ब्राह्मण, और अथर्ववेद से संबंधित यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद से हो जाएगा फिर शतपथ ब्राह्मण। तो डी का दो हो जाएगा, सी आंसर दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर यजुर्वेद से संबंधित है। ब्राह्मणों जो वृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये काशी के अजातशत्रु हैं, और ये एक ऐसा राजा हुआ है दोस्तों ये जो क्या है ब्रह्म ज्ञानी था, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान था इनको। उदालक अरुणी उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की जो आत्मा है की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित है? तो जो उदालक और अरुणी के बीच जो ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद गद्य जो कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो वृद्धारण्यक के अंदर लिखा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु यूज किया गया है? यव आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मैचिंग में, कई बार ये नेट में आया है, तो ये जो 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 से संबंधित शब्द है यव, बहुव्रीहि, एक आपको याद रखना है कि जो एक बहुव्रीहि शब्द है, बहुव्रीहि जो है वो चावल के लिए यूज होता है बहुव्रीहि। स्मृतियों में उल्लेखित आपधर्म के विषय में कौन सा एक सत्य दिया गया है? तो यहाँ पे इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य जो है वो अपाद कर्म के विषय माने गए हैं। विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य वो अपाधर्म के विषय माने गए हैं। वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो ये गंडक नदी को जो है सदानीरा नदी बोला गया है, गंडक नदी को सदानीरा बोला गया है, ऐसा ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, लेकिन आप इसको एक बार चेक जरूर करें, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट में लग रहा है, चेक जरूर करें आप और कमेंट जरूर करना कि आपको क्या इसका आंसर लगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये नदी है सरस्वती नदी, जो इनकी क्या है जो पवित्र नदी मानी गई है, आपको ये याद रखना है कि इनकी पवित्र नदी सावित्री नदी, जो सरस्वती नदी जो थी पवित्र नदी थी। सूचियों को मिलाना है, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे सरस्वती जो है यहाँ पे गग्गर हाकरा सरस्वती के लिए यूज हुआ है, पुरुष ने रावी के लिए यूज हुआ, शत्रु शत्रुज के लिए, विपासा व्यास के लिए, और झेलम जो है झेलम के लिए यहाँ पे कूट जो है कटा हुआ है, तो झेलम यहाँ पे इसका कूट कटा हुआ है ऑप्शन में इसका कूट। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर, याद रखना है आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। वैदिक काल में निष्क शब्द का उपयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ,
सिक्के के लिए यूज हुआ। दो आपको इसके दो मीनिंग मिलेंगे, एक निष्क शब्द सिक्के के लिए यूज हुआ, एक आभूषण के लिए यूज हुआ है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सही बता दूं, ये क्वेश्चन नेट में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है कि निष्क किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन में कई बार आभूषण भी होता है और सिक्का भी होता है और दोनों ही होता है, लेकिन आपको मोस्टली इसका आंसर जो है आभूषण को लगाना है जब भी आपको ऑप्शन में आभूषण मिलेगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका जो है यहाँ पर स्वर्ण आभूषणों को निशक, वही निशाका दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा काट गलत दिया गया है, निष्क यूज होता है वर्ड इसके लिए। अपालात्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद के अंदर जो है अपालात्रेय के मंत्र संग्रहित हैं। अपाला और अत्रेय जो अलग अलग एक लेडीज थी, ये दोनों अलग इन्होंने जो है मंत्र वहाँ पर ऋग्वेद के अंदर अपने लिखे हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का यूज होता था। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो कंठ उपनिषद में मिलता है। तो आप कंठ से भी इसको याद रख सकते हैं कि कंठ जो है, कंठ से इनकी बात निकली, यम और नचिकेता की संवाद वो कंठ, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो भी हमने ऊपर पढ़ा कि लोपा मुद्रा ने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? कारसपण का उल्लेख दोस्तों वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कारसपण जो है आपको अथर्ववेद वगैरह के अंदर मिलेगा। निष्क शतमान जो है चांदी के लिए यूज होता था, आपको याद रखना है कि चांदी के लिए शतमान शब्द यूज होता था। निष्क आभूषण और सिक्के के लिए हृदयपिंड जो है एक अलग से वर्ड था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आपने पढ़ा होगा कि सिंधु नदी सर्वाधिक स्टार्टिंग के अंदर जो है इसका वर्णन मिलता है। 14वीं जो है ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बोर्ज कोई से, और ये ईरान या इराक के एरिया में पड़ता है। 14वीं ईस्वी पूर्व का। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भगवद गीता के अंदर, सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सबर समिति को किस देवता की दो पुत्रियाँ कहा गया है? 2021 में जो अभी दोस्तों हमारा 20 दिन पहले यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है डिट्टो। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं इसको बहुत बार इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। प्रजापति को जो है, प्रजापति की दो पुत्रियाँ इनको कहा गया है, और ये अथर्ववेद के अंदर कहा गया है। अथर्ववेद के अंदर जो है इनको प्रजापति की दो पुत्रियाँ बताया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्टवति नदियों के बीच के प्रदेश को पकड़ा जाता था? तो ये ब्रह्मावर्त जो है सरस्वती और जो दुष्टवति नदियाँ थी उनके बीच का जो प्रदेश था उसको ब्रह्मवर्त बोलते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सप्तछंदों का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी सप्तछंदों प्रदेश में आती थी, ब्रह्म ऋषि देश कौन सा था, आर्यव्रत कौन सा था। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे आपने। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो ये लगत ऋषि जो है ये ज्योतिष के एक लेखक के रूप में विख्यात है। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, भी उन्होंने ऊपर पढ़ा था अथर्ववेद के अंदर। नेत में से किस एक समिति में यह कथन मिलता है, राजपत्र कपड़े पर अथवा तमर पट्टी के पर लिखे जाते थे? तो ये क्वेश्चन मनुस्मृति से संबंधित है, तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है कि स्मृति के अंदर कौन सा कथन मिलता है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो ये सांकल की है। सबसे पूर्व जाने जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति, जो सबसे पहली है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो इसके अंदर क्या है, समाज व्यवस्था का जिक्र जो है मनुस्मृति के अंदर मिलता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो आता है पणियों का, मैंने ऊपर पढ़ा है। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है तो गाय के लिए, क्योंकि इसको मारा नहीं जा सकता, अगन्या शब्द का अर्थ होता है ना मारा जा सकने योग्य, अहंता भी बोलते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? तो गाय को। ऋग्वेद में निम्न से पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो इसके अंदर दोस्तों गाय का भी उल्लेख मिलता है, अश्व का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, तो चारों के चार। ऋग्वेद में कई पच्छंदों में जो है प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, अघन्या ने पढ़ा गाय के लिए है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है हमें उपनिषदों के अंदर, मोक्ष की चर्चा सबसे पहले मिलती है, और यही उपनिषद से ही जो है कई बार हम पढ़ते भी हैं कि जो बौद्ध धर्म है उन्होंने भी थोड़ा बहुत उपनिषदों से जो है थोड़ा बहुत उनका ज्ञान जो है मिलता है। सत्यमेव जयते जो है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है?
तो ये लिया गया है यहाँ पर मुंडकोपनिषद से, सत्य में जाते मुंडकोपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन के ऊपर, निम्न में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं हमारे मैत्रायणी संहिता के अंदर जो है निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, मैत्रायणी के अंदर निराशावाद के तत्व। निराशावाद, मैत्री करोगे तो उससे निराशा हाथ लगेगी, इस टाइप से कुछ आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। 111 देखिए, वृद्धारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में यागवल्क्य कैसे दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न में से किसका वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है गार्गी का, और ये वृद्धारण्यक उपनिषद के अंदर दोनों का जो है जनक की सभा में इनका उल्लेख हुआ है। और ये यज्ञवल्क्य जो है गार्गी को जब ये इनसे रूठ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि चुप रहो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। निम्न में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही देखते हैं, वृद्धारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। वृद्धारण्यक व छंद जो छांदोग्य उपनिषद है वो गद्य में है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दोस्तों याद होनी चाहिए चीज़। कंठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, तो ये गलत है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन में आता है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है न कि आस्था से, तो ऐसा उपनिषदों के अंदर मिलता है। मोक्ष की बात उन्होंने की है, आपने पढ़ाई होगा, आस्था से मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते, यानी कि तपस्या करना मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। सच्चे ज्ञान से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कहना है। जनक ये जो याज्ञवल्क्य क्या है कथानक कहाँ मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में, वृद्धारण्यक उपनिषद में गार्गी और इनका संवाद मिलता है जनक की सभा में। 114 देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अभी पढ़ा है कंठोपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चाएं की गई हैं? तो ये की गई है कंठोपनिषद के अंदर, आत्मा वगैरह की बातें जो है कंठोपनिषद में आपको मिलेंगी। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेदांत, यानी कि वेदों के बाद जब वेदों का अंत होता है तो उनके इस बाद इसको वेदांत बोला गया है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख हुआ है, ये कंठोपनिषद में हुआ है। ऋग्वेद के निमित्त किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रूमू जो है ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, कुंभा क्रूमू काबुल एक और नदी है इस टाइप की। तो चार नदियों का उल्लेख स्वात है शायद, आप चारों नदियां आपको याद होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की जो चार नदियां हैं उनके आप नाम जरूर चेक करें कौन कौन से हैं। वो नेट में क्वेश्चन आ चुका है दो बार, आप उन नेट के क्वेश्चन में भी वो पढ़ सकते हो, तो ये आपको याद रखनी है। सूची वन सूची टू से मिलाना है, जो है सतलुज जो है सतुद्री सतलुज है, सदा नीरा पुरुषनी रावी है, कुंभा काबुल है, सदा नीरा जो है गंडक का नाम है। ऋग्वेद में से किस नदियों के उल्लेख में संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान जो है पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो निम्न के नदियों का उल्लेख यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व जो है वैदिक भूगोल का एक अंग था, तो यहाँ पर वैदिक भूगोल का एक अंग था कुंभा, और जो श्रीवास्तु से यहाँ पे जाना चाहता है तो सुबा कुंभ, ये दोनों नदियाँ थी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा अफगानिस्तान के अंदर है, अभी पढ़ा है दो नदियों के नाम। किस देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो ये सावित्री को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। तीसरे जो तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का उसके अंदर, और विश्वामित्र ने इसको लिखा है। ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, जो पुरुषनी रावी को बोलते हैं, विपाशा व्यास को बोलते हैं, पुरुषनी जो है रावी, वित्सता झेलम, वित्सता जो झेलम का नाम ऊपर नहीं आया था तो झेलम का नाम आप याद रखिए, वित्सता बोलते हैं झेलम को। अस्कनी जो है चिनाब को बोलते हैं, और जो सतलुज जो है सतलुज का, अब की बार सतलुज का नाम यहाँ पर गायब हो गया, सतलुज का अब हमने ऊपर पढ़ा था, सतलुज का नाम तो अस्तुद्री, सुद्री यहाँ पर नहीं दिया गया, सुद्री इसको बोलते हैं। वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो इनको जो है दोस्तों शिव की पहचान नहीं थी। वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? तो शिव की नहीं थी, क्योंकि शिव का नाम वहाँ पर डायरेक्टली नहीं मिलता, रुद्र के रूप में उल्लेख थोड़ा बहुत मिलता है, और आकाश वगैरह के देवता उसमें बताए गए हैं। ये सोम का उल्लेख मिलता है, इंद्र का मिलता है, मरुत का मिलता है, शिव का नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में जो है महत्व प्राप्त किए प्रजापति जो है, प्रजापति जो था देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? तो प्रजापति के अंदर जो है विश्वकर्मा और जो हिरण्यगर्भ है, ये जो है उत्तरवादी काल में प्रजापति देवता जो था इसके अंदर समाहित हो गए, यानी कि इनके दोनों को प्रजापति बोला गया, इन दोनों को नामों को। निमित्तवादी देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो बृहस्पति जो है वैदिक देवताओं में से किसे उनको पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को।
यानी कि बृहस्पति इनका पुरोहित माना गया है, जितने भी वैदिक देवता हुए हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बृहस्पति आपको याद रखना है कि इनका पुरोहित बृहस्पति था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, तो भी हमने पढ़ा है रुद्र मिलता है, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था। सार्वधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र को समर्पित है। स्टार्ट होते हैं अग्नि से। निम्न में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, यानी किस इनमें से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता, तो आपने पढ़ा है इंद्र को। इनमें से कौन से वैदिक देवता बुर्जगोय लेख में है, इंद्र, मित्र और नासत्य और वरुण जो है, चार के चार देवताओं जो है साम्यता रखते हैं हमारे ऋग्वेदिक कालीन देवताओं से। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो यहाँ पर इंद्र जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। बुर्ज को महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बुर्ज के अभिलेख में नहीं मिलता, इंद्र, मित्र, वरुण हमने पढ़ा है, अग्नि का नाम वहां पर नहीं मिलता, नासत्य का नाम मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, यहाँ पर बुर्जगोय अभिलेख जो है ये वहां से आने की सूचना देता है क्योंकि ये ईरान में था और वैदिक देवताओं की सेम वहां पे नाम मिलते हैं, तो इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद वो वहां से आए हों। बुर्जगोय का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रिक्त शब्द किससे संबंधित था, तो ये नैतिक व्यवस्था से। नैतिक व्यवस्था नृत्य के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो ये वरुण का हुआ है, जो है रित के निरीक्षणकर्ता के रूप में वैदिक देवता का वर्णन हुआ है। यहाँ पे वरुण जो है रित का निरीक्षणकर्ता माना गया है। सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था, तो सुलगव युद्ध जो यज्ञ है वो रुद्र के लिए किया जाता था, सुलगव यज्ञ जो है रुद्र के लिए। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, तो यहाँ पर अग्नि जो है इसको अतिथि की उपाधि देकर जो है संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं, तो ये अग्नि से प्रारंभ होते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे अवेस्ता के देवता अहुर मजदा जो है अहुर मजदा से सादृश्य रखता है, तो यहाँ पर वरुण जो है अहुर मजदा से सादृश्य रखता है, यानी कि इनके लेवल का कह सकते हैं या इनके जो समकक्ष का हो सकता है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, तो अगस्त्य जो ऋषि हैं इनको। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय जो है विदेह माधव को जाता है। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय, उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय विदेह माधव, आपने पढ़ा होगा ये जो वैश्वनार अग्नि थी नर्मदा नदी के तट पर जाकर रुकती है, और ये आपने पढ़ा होगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था, करों का संग्राहक जो होता था वो भागदूत उसको बोलते थे। उत्तरवैदिक काल में करों के संग्रह को भागदुग्ध। निम्न प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए, अंग, गंधारी, वरात्या, उपयुक्त में से कौन सी जनजाति जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी, दोनों तीनों ही थी, अंग भी, गंधारी भी और वरात्या भी, तीनों जनजातियां जो थी ये जो है उस टाइम पर अस्तित्व में थी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो यहाँ पर कुरु और पांचाल को जो है आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं, तो उत्तर वैदिक काल हमें पता है कि 1000 से स्टार्ट होता है और 600 ईसा पूर्व इसकी डेट मानी गई है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा आ गई थी। निम्नलिखित में से किस एक कौन सा एक पद जो है पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था, रत्नियों की सूची में सतपति नहीं था, सूत में इसी ग्रामीण शामिल थे, यूप क्या था, यूप यहाँ पे यागिक संबंध स्तंभ को बोलते थे। यहाँ पर ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए, तो सीता शब्द ज्योति ही पूर्ण भूमि को बोलते थे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता था ऋग्वेद से, होता क्या है, होता एक देवों का आह्वान करने वाला को होता बोलते थे। अर्धवायु का अर्थ क्या था, अर्धवायु यज्ञ करने वाला पुरोहित को अर्धवायु कहते थे, तो इंपॉर्टेंट है ये। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण दोस्तों अरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। आप पोज करके खुद आंसर लगाने की कोशिश करें ताकि आपको इसका और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे इनको सूची वन को सूची टू से जो है सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर जो है ए का हो जाएगा
मुनि का हो जाएगा पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है, मुनि पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। और जो ये उद्गात्री दिया गया है इसका हो जाएगा सामवेद का ज्ञाता, और जो पुरुष दिया गया है यहाँ पे पुरुष हो जाएगा यहाँ पर आद्य पुरुष, आर्यमान हो जाएगा यहाँ पर विवाह का संरक्षक, आर्यमान विवाह का संरक्षक आर्यमान। और जो लास्ट वाला यहाँ पे नहीं दिया गया है डी का हो जाएगा आर्यमान, तो यहाँ पे चार ही दिए गए हैं। वैदिक काल में जो बलि शब्द का क्या अर्थ है, बलि शब्द का यहाँ पे प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट को बलि बोलते थे। बाघ और बलि क्या थे, ये राजस्व के साधन होते थे उस टाइम पे, और सबसे पहले राजस्व देना स्टार्ट किया था क्षत्रिय जो है, सबसे पहले जो राजस्व देते थे दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा कि जो वैश्य जो थे वो सबसे पहले इन्होंने जो है कर देना स्टार्ट किया था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन भी किया गया है, तो छंदोग्य अपने सबसे प्राचीन है, इसके अंदर जो है इनका वर्णन मिलता है। चित्रदूषर भांड किस काल के हैं, तो ये वैदिक काल के हैं। सत्यकाम ज्वाला की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, ये छांदोग्य उपनिषद में है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को जो है घोर अंगिरिस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो ये किया गया छांदोग्य उपनिषद में। तो जो है कृष्ण के गुरु घोर अंगिरिस को माना गया, ये आपको याद रखना है। सुदास किस वंश का था, ये भरत वंश का था। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्न में से पहले के नहीं हैं, 5वीं सदी पूर्व के। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो अशुपति क्या कह के थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ पर है दोस्तों वीणा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपने समुद्रगुप्त को भी देखा होगा वीणा जाते हुए। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर किकट जो है ऋग्वेदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु पुरु तुर्वस आपने पढ़ रखे होंगे, किकट नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है, तो चर्चनी जो है ये कृषि, लांगल सीर वृक जो है, ये लांगल सीर जो है दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से हल के लिए यूज किए गए हैं। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो ये कहलाता था उपाध्यायी। अभी आपने 2021 का एग्जाम दिया होगा नेट का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि जो लेडीज हैं जो पढ़ाने का कार्य करती थी उनको उपाध्याय बोलते थे या कुछ और बोलते थे, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। 171 देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो मैंने कई बार आपको बोला कि विश्वामित्र ने की है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल के हड़प्पा सभ्यता से, आप समझ सकते हो हड़प्पा इससे पहले आई है, तो हड़प्पा पूर्व काल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 संस्कार होते हैं, सब सबने पढ़ रखा होगा। इसके क्रम की आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से डाल दूंगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शेष तीन के वर्ग का नहीं है, तो यहाँ पर जो कोष जो है ये शेष तीन के नहीं में आता, यानी कुल वंश गोत्र यहाँ पे आ जाएगा। एकलव्य किस गुरु को गुरु का सब घोषित शिष्य था, ये द्रोणाचार्य का था। सर्गपति सर्ग वश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये पुराणों के हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेत करते हैं पुराणों के। निम्न से कौन सी जो प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो ये हुई थी ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास। 178 देखिए, निम्न से किस भारत का इसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो ये माना जाता है मनु को। पुराणों की कुल संख्या क्या है, तो ये 18 है। चार पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए, तो ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो ये गंधारों ने लिया था। किसको वर्ण सकल समझा जाता था, तो ये विवाहों के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण को जो है वर्ण सकल समझा जाता था, वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसी निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है, तत्वमसी मिलता है दोस्तों यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद के अंदर। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर कन्या द्वारा जो है वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था, तो ये था आर्स, विवाह होता था इसके अंदर, यानी कि गाय का दान आर्स के अंदर किया जाता था। बैल की जोड़ी कह लीजिए, गाय की जोड़ी। द्विज किसे कहा जाता है, तो द्विज में आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वैत्रेयी के अंतर्गत सम्मिलित है, वैत्रेयी में पहले तीन आ जाएंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, अथर्वेद नहीं आएगा। निम्न में से कौन से लक्षण जो है ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं, तो धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिकवादी बहुदेववादी कहा जाता है, तो यहाँ पे सही दिया गया है।
ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, ये भी सही दिया गया है। तो एक दिया गया है, थर्ड यहाँ पे गलत दिया गया है। और देखिए वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो ये सही दिए गए हैं, 1, 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? इंपोर्टेंट है, मेघातिथि था। और आपको बहुत बार आपने पढ़ रखा होगा ये चीजें, आपको टीकाकार हमेशा याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगा। आपको सारे टीकाकार आपको पता होने चाहिए इसके। मनुस्मृति के लगा लीजिए, आप याज्ञवल्क्य के स्मृति के लगा लीजिए, जितने भी स्मृतियों के टीकाकार हैं आपको पता होने चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वोत्तम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, किस में मिलता है? तो यजुर्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं देखना है हमें। देवताओं की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, तो ये सही दिया गया। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में संक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो अपर्ण अग्नि द्वारा अपभूत होता था वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो यहाँ पर डी गलत दिया गया है, क्योंकि यज्ञ जो है मंदिरों में नहीं घरों में भी किए जाते थे। गाय किस काल के महत्वपूर्ण स्वरूप का दान थी? तो ये जो है ऋग्वेदिक काल में दान का स्वरूप थी। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो और कौन से सही दिए गए हैं वो हमें देखना है। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्राकृतिक दृग विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है, तो एक यहाँ पे सही दिया गया है। सेकंड देखिए, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई है, तो ये भी यहाँ पे जो है सही दिया गया है, दोनों सही दिए गए हैं। निम्न में से किसे अंटार्कटिक क्षेत्र का आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये बालगंगाधर तिलक ने इसको जो है आर्य को अंटार्कटिक क्षेत्र का बताया था गीता रहस्य बुक के अंदर, जो इनकी पुस्तक है। आपको पता होना चाहिए किसने किस क्षेत्र का आर्य को बताया है, काफी इंपोर्टेंट चीज है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है, कोसे शब्द का यूज हुआ है दोस्तों, रेशम के लिए कोसे शब्द का यूज हुआ है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो ये क्या है? एक उत्तम व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का यूज किया गया। क्लास बारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये है ग्रीक है। बारोपीय परिभाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा ग्रीक मानी गई है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो हमने पढ़ रखा है, ये लड़ा गया है यहाँ पे रुस नदी यानी कि रावी नदी के तट पर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख यहाँ पर मिलता है ऋग्वेद के अंदर, जो है वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। लेख में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित किए गए हैं? तो शूल सूत्र के अंदर जो है यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जाते हमने पढ़ा है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषदों में जो है उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक निर्देश था? इंपॉर्टेंट है, आपको सारे दार्शनिक याद होने चाहिए। इन तीनों दार्शनिक ऐसे हैं, इनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान था, यानी कि इनके पास जो है आध्यात्मिक ज्ञान था। तो पंचाल जो है ब्राह्मण जैवलीन का नरेश था। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो ये क्या था? व्यवसाय जो है अस्पृश्यता का आधार उस टाइम माना गया है उपनिषदों में। लेकिन पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? पंचाल का दार्शनिक ब्राह्मण जैवली थे, ना कि मैंने थोड़ा इसका गलत बोल दिया था, आप इसको करेक्ट कर लें। ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंधी होने का परिचायक है? तो कुंभा कुमु हमने पहले पढ़ा है, और गोमती यानी गोमल नदी भी जो है अफगानिस्तान की नदी मानी गई है। कुंभा कुमु और गोमती यानी कि गोमल, 1, 2 और 3 यहाँ पे 1, 2 और 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है? यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण हमने कई बार पढ़ा है, ऋग्वेद से संबंधित है। वैदिक देव मंडल में निम्न में से की कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? तो ये इंद्र जो है ऋग्वेद का देवता माना गया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋक् का अर्थ क्या है? ऋक्त का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक नियम, ऋक् का अर्थ है प्राकृतिक नियम। दोस्तों नो देखिए, ऋग्वेदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्यों में संबंधित थी, ये थी सभा जो है न्यायिक कार्य करती थी। सभा आपको याद रखना है, जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, सभा थी जो थी वो न्याय कार्य करती थी। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तमसो मां ज्योतिगर्मा जो कथन है मूलतः कहाँ से है? उपनिषदों से लिया गया है। मां जनपद के 12 जनपदों के नाम ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं।
निम्न में से किस जनपद के नाम जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी के अंदर उल्लेखित है, मगध भी है, अस्मक भी है और कंबोज भी है, इन तीनों का नाम वहां मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। और ये थे हमारे 212 क्वेश्चन, जिससे हमें बहुत से क्वेश्चन जो हमारे सोल्व हो रहे हैं और आपको अच्छे से याद हो रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ नंबर पार्ट में, जिसका टॉपिक रहेगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।